हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से, डेफिनेट इंटीग्रल से कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहां पर देखने वाले हैं जो प्रॉपर्टी बेस्ड होंगे। ऑलराइट, लेक्चर नंबर 15 में मैंने क्या किया था, सभी प्रॉपर्टीज को, जितनी भी 8 प्रॉपर्टीज हमारी हैं, उनको वन बाय वन मैंने प्रूव करके दिखाया था, ठीक ना। आई बटन आप प्रेस कर लीजिए, ये आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, वहां भी वीडियोस अवेलेबल होगी। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर से जो आएंगे आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन से, ये प्रॉपर्टी बेस्ड जो क्वेश्चन आने हैं, वहां से एक लॉन्ग आपको मिलेगा, ठीक। श्योर है लॉन्ग तो आएगा ही आएगा, नहीं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है, ठीक। चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट वन, प्रूव दैट 0 टू पाई बाय 2 dx ओवर 1 प्लस अंडर रूट tan x इज इक्वल टू पाई बाय 4, हमें ये लाना है, ठीक। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, यहां पर मैंने इसको i कह दिया, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, सॉरी पाई बाय 2 है ये, एंड dx क्या tan x को हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे, 1 प्लस tan x को आप कुछ नहीं तो कम से कम sin x अपॉन अंडर रूट cos x में तो ब्रेक कर ही सकते हैं, ठीक, ये काम किया। नाउ टेकिंग एलसीएम, सो ये हो जाएगा क्या, जब आप एलसीएम करेंगे i इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, जब ये इधर आएगा और रूट x cos x न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो अंडर रूट cos x dx न्यूमरेटर में शिफ्ट हुआ, अपॉन क्या आएगा, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट sin x, ये आ गया। Now, इसको अगर हम इक्वेशन 1 ट्रीट कर दें तो क्या होगा, ठीक, इक्वेशन 1 इसको मैंने कह दिया। नाउ प्रॉपर्टी यूज करना था तो अब हम यहां पर यूज कर लें प्रॉपर्टी, ठीक। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, आप प्रॉपर्टी नेम लिखिए या प्रॉपर्टी नेम मत लिखो, मैं कहूं प्रॉपर्टी लिख दो। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, देखिए 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx, जो मैंने प्रूव करवाया था वो प्रॉपर्टी नंबर 5 है, बाकी अदर बुक में ये 4 भी लिखी मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्रॉपर्टी ही लिख दीजिए, सिंपल, डाउट रहेगा ही नहीं। ये प्रॉपर्टी आप इसमें यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4, और मैं बता दूं इन जनरल सभी क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में 95-99 कह सकते हैं क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी यूज होगी ही होगी, जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना, तो उन सब में ये प्रॉपर्टी यूज होनी है, है ना। तो देखिए 0 टू, सॉरी पाई बाय 2 है, ओके 0 टू पाई बाय 2 एफ ऑफ, f की जगह क्या है दिस वन, और x की प्लेस पे हमें क्या रखना है, अंडर रूट, सॉरी x की प्लेस पे a माइनस x, तो a क्या है यहाँ पर पाई बाई 2, यानी कि ये आ जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन, डिनोमिनेटर में भी यही आएगा, कॉस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये हुआ, प्लस इधर भी क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक, ये तो dx है ही। नाउ i इज इक्वल टू, भाई देखिए 0 टू पाई बाई 2 ये हुआ cos 90 माइनस थीटा, सब कहते हैं sin थीटा, है ना, तो अंडर रूट न्यूमरेटर में क्या आएगा, अंडर रूट sin x, ओके अपॉन यहां क्या आएगा, अंडर रूट cos 90 माइनस x sin x प्लस sin 90 माइनस x अंडर रूट cos x, ये dx है, और ये हमने कह दिया इक्वेशन क्या आ गई, 2 आ गई, ओके ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। नाउ एडिंग 1 एंड 2 हम ऐड करने जा रहे हैं, ठीक ना भाई, जैसे ऐड करेंगे देखिए क्या मिलेगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव, ये i था, ये i है, तो i प्लस i 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहां से क्या आएगा, अंडर रूट कॉस x अपॉन अंडर रूट कॉस x प्लस अंडर रूट साइन x, एक तो ये आया, प्लस दिस वन, ये लिमिट सेम है तो मैंने एक ही बार लिखा, और अंडर रूट में हम क्या लिख रहा हूं, साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये हो गया डीएक्स, ठीक, ये एक बार लिख लिया गया। नाउ ये एलसीएम सेम है, जब एलसीएम सेम है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर एक साथ लिख सकते हैं, ठीक ना, तो मैं इधर की एक लाइन इरेज कर देता हूं, ठीक, देखिएगा भाई क्या आता है,
जैसे ही आपने क्या किया, इनको ऐड किया और एलसीएम सेम मिला, तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स न्यूमरेटर में भी आ जाएगा, ये होगा 2y इज इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। ये टर्म आपस में क्या हो गया, कैंसिल, क्या आ गया भाई यहाँ पर, यानी 2i इज इक्वल टू लिमिट है 0 से पाई बाई 2, 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 और 1dx, ठीक, 1dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2, पुट कर दीजिए, ये मिला क्या हमें 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 0, ठीक, देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या, i इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये हमारा क्या गया आंसर आ गया, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन आपका 1 कंप्लीट हो गया, राइट। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज को यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रोज का नोट कर लीजिए क्वेश्चन, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं, ओके। नाउ क्वेश्चन 2 देखते हैं, प्रूव दैट 0 टू 1 log x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई बाई 2 log 1 बाई 2, हमें ये प्रूव करके लाना है, ठीक। तो चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मैं देखता हूँ इसको कैसे होगा, अब देखिएगा, ये है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली और लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कह दिया क्या है ये आई, आई इज इक्वल टू 0 टू 1 log x dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक ना। तो डायरेक्ट यहां पर आप देख रहे हैं कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती, ओके। तो ऐसा करें, हम इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा लें, क्या, लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक, अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा पुट कर लेंगे तो क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब जैसे ही हमने लेट किया तो इसके बाद आपका क्या होता है रूल, कुछ नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करना। तो चलिए, x था, ये क्या आएगा dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos थीटा और d थीटा, लिमिट भी इंटरचेंज करनी पड़ेगी ना, तो करते हैं, इफ देखिए, इफ x इज इक्वल टू 0, जब x 0 था तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स थीटा भी क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक ना। इफ x इज इक्वल टू 1, तो जब x इज इक्वल टू 1 है मीन्स साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा कितना आएगा पाई बाई 2, क्योंकि पाई बाई 2 पे हमें साइन 90 क्या मिलता है 1 मिलता है, ठीक। तो ये इतना हो गया। नाउ ये जो हमारा इंटीग्रेशन आया है वो कितना आया, वो आया है जब ये x हमारा 0 था थीटा भी 0, जब x हमारा 1 है तो ये पाई बाई 2, तो 0 टू पाई बाई 2 log log, ये x की जगह क्या जाएगा, x की जगह साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह भाई क्या है देखिए cos थीटा d थीटा, ये आ गया, ठीक। नाउ ये i इज इक्वल टू हमें मिला क्या, मिला भाई 0 टू पाई बाई 2 log साइन थीटा, मैंने लिखू log साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर cos स्क्वायर थीटा, ये है रूट, रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा वो ओनली cos थीटा, और यहां भी क्या है मल्टीप्लाई में cos थीटा d थीटा, तो ये आपस में कट गए। अब आया क्या ये i इज इक्वल टू हमें मिल गया 0 टू पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा, ठीक भाई, ये इतना आ गया। अब देखिए ये तो क्वेश्चन था ही, यहां से एक नया क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन ऐसे भी है 0 टू पाई बाई 2 log साइन थीटा ऐसे भी मिल सकता है, और सेम लिमिट है यहाँ पर cos थीटा भी हो सकता है, और यहाँ 0 टू पाई बाई 4 भी कभी कभी मिल जाएगा, यहाँ लिखा होगा log साइन 2 थीटा या log साइन सॉरी log cos 2 थीटा, इस तरह के चार क्वेश्चन है, ओके। तो ये एक नई इक्वेशन बन गई, हमने इसको चलो कह दिया इक्वेशन 1 है, ठीक। जब ये इक्वेशन 1 है अब हम इसमें यूज करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी जो अभी यूज की थी प्रॉपर्टी 5 नो यूजिंग प्रॉपर्टी, ओके। तो प्रॉपर्टी नेम हम लिख देंगे, कौन सी है वो नहीं, प्रॉपर्टी है क्या वो लिख दीजिए, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। नाउ जैसे ही आपने ये प्रॉपर्टी यूज की तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, देखिए i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2, ये क्या है log साइन
और थीटा की जगह क्या रखना होगा, पाई बाई टू माइनस थीटा डी थीटा। ठीक, अच्छा ये कितना आ जाएगा भाई, देखिए आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, और ये है हमारा, चलिए यहां मैंने नहीं लिखता, मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक ना, कहीं मिस हो जाए, यहां लिखता हूं। तो I इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग, ठीक, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ये है इक्वेशन टू। तो चलिए इक्वेशन वन और टू को ऐड कर दीजिए। ओके, एडिंग इक्वेशन वन प्लस टू, वन प्लस टू को आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें I इज इक्वल टू, सॉरी ये I और ये I, I नहीं क्या हो जाएंगे 2i, तो 2i इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, क्या लिखा है, log साइन थीटा प्लस log cos थीटा और d थीटा, ये दो चीजें आ गई। ठीक, एक में साइन था एक में cos था। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log, log m प्लस log n, क्या होता है log m इंटू n। ठीक, तो हम इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 2i इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू log साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, नाउ इसमें अगर हम 2 से डिवाइड कर दें और 2 से कर दें मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या बन जाएगा, log 2 साइन थीटा कॉस थीटा log साइन 2 थीटा, ये बन गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया टर्म, जीरो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीरो टू पाई बाई टू log साइन 2 थीटा अपॉन, सॉरी यही है इसी में, अपॉन 2 डी थीटा। नाउ अब मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं इधर का पोर्शन यहां से इरेज कर रहा हूं। ठीक भाई, इधर का पोर्शन इरेज कर ले रहा है, और जिसकी नीड होगी हम देखेंगे, अभी ये फर्स्ट इक्वेशन तक हम लिखा रह देते हैं, बाकी चीजें इरेज कर दे रहा हूं। ठीक, इतना समझ आ गया, आई थिंक अभी तक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो चलिए इसके बाद हम प्रॉपर्टी लगाएंगे लॉग एम बाई एन की। ठीक, तो लॉग एम बाई एन क्या होता है, चलिए इसको मैं रेस कर देता हूं। ओके, जरूरत पड़ेगी तो हमें पता ही कि फर्स्ट इक्वेशन आई क्या थी। ओके, तो यहां से लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला लग जाएगा, ये 2i है, तो भाई 2i इज इक्वल टू क्या आया, 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा, ये इतना आया। ठीक, लॉग साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस माइनस का क्या, जीरो टू पाई बाई टू लॉग टू डी थीटा। ठीक भाई, तो लॉग एम बाई एन की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग एम माइनस लॉग एन, इसको अलग कर लिया मैंने, इसको इंटीग्रेशन लिख लेंगे। नाउ जब आप इसकी बात करेंगे, ठीक, चलिए इसको हम इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, तो टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू लॉग साइन टू थीटा डी थीटा माइनस लॉग टू एज इट इज रहेगा, तो यहां पे लॉग टू बाहर क्या आया, इसका इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा की जगह हम रख देंगे लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, ये कांस्टेंट था तो बाहर हो गया। ठीक, अब हम इसमें लेट करेंगे। ओके, लेट क्या करें भाई, लेट टू थीटा इज इक्वल टू टी। ओके, इसमें हम टू थीटा को टी लेट कर रहे हैं। अच्छा, जैसे लेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक ना, तो क्या आएगा, टू डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, या डी थीटा इज इक्वल टू डी टी बाई टू। ओके, ये हुआ। अब लिमिट भी तो चेंज करेंगे, चलिए देखते हैं, इफ इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो देन टी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। ओके, जब थीटा जीरो है तो टी भी जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू तो टी इज इक्वल टू क्या, यहां पाई बाई टू रखेंगे ये पाई मिल जाएगा। नाउ इन दोनों की वैल्यू हम पुट करते हैं, यहां से आई क्या, ये टू आई सॉरी चल रहा है, तो टू आई क्या आएगा, देयरफॉर टू आई इज इक्वल टू, ये लिमिट चेंज हो चुकी है, क्या आई है, जीरो टू पाई। ओके, लॉग लॉग साइन टी और डी टी बाई टू, इस टू को यहां लिख लू मैं बाहर, और माइनस का ये क्या है, लॉग टू है, और जैसे यहां रखेंगे लिमिट तो लिमिट आ जाएगा पाई बाई टू, बाकी थीटा तो जीरो टू जीरो चला ही जाएगा, हट जाएगा, इतना बचा। ओके, ये आ गया। नाउ यहां से हम टू आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई टू जीरो टू पाई, हाँ जीरो टू पाई लॉग साइन टी डी टी माइनस पाई बाई टू लॉग टू। ओके, अब हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर वन। ठीक,
नहीं नहीं प्रॉपर्टी नंबर, हाँ प्रॉपर्टी नंबर वन यूज कर लेते हैं, या प्रॉपर्टी नंबर वन को अभी ना यूज करें, हम यहाँ से प्रॉपर्टी सेवन या एट जो भी देखी थी वो यूज कर लें। नाउ यूजिंग, देखिए हम प्रॉपर्टी लिखते हैं कौन सी, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी में यूज करेगा, देखिए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऑलराइट, तो जब ये यूज करूंगा मैं ये पोर्शन भी रेज कर रहा हूं, जब आप ये यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ठीक देखिएगा, जैसे ही आप ये यूज करने गए तो यहां से हमें टू कॉमन मिल जाएगा, इससे हाफ कर देते ना, यहाँ टू है था तो इसका हाफ हो जाता है, मीन्स 2i इज इक्वल टू 1/2 और ये 2 बाहर बचा क्या 0 to π/2, इस पाई का आधा हो गया, यहाँ क्या है log sin t dt माइनस दिस वन क्या π/2 log 2 ये आ गया। नाउ अब देखिए क्या आता है, यहां से हम फिर से प्रॉपर्टी यूज कर लें, कौन सी, यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, ओके यूजिंग प्रॉपर्टी फर्स्ट, क्या थी प्रॉपर्टी फर्स्ट, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ टी डी टी, हम ये प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। ओके तो जैसे ही आप यहां पर ये यूज करेंगे ये मिलेगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 log sin और इस t की जगह हम थीटा लिख लें, डी थीटा लिख लें, माइनस का π/2 log 2। तो भाई अब ये देखिए क्या आ गया है, जो ये आया है मैंने इसी को तो इक्वेशन वन कहा था, इसी को तो आई कहा था, तो इक्वेशन वन से ये आई हो जाएगा, तो जब ये आई हो जाएगा इधर जाएगा, ये क्या आएगा देयरफोर 2i, ये इधर आई गया, माइनस का आई इज इक्वल टू क्या बचा -π/2 log 2 और 2i से एक आई गया तो i इज इक्वल टू माइनस है, इसको हम ये लिख सकते हैं π/2 log 2 की पावर -1, ये माइनस ऊपर चला गया, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा π/2 log 1/2, ये हो गया हमारा आंसर, हमें यही रिजल्ट लाना था। ओके तो इसमें दो क्वेश्चन मैंने करवा दिए, एक तो log sin 2 थीटा का और एक ये क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक ना, इससे आपकी 7.11 जो एक्सरसाइज है वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी, यही सब कॉन्सेप्ट इसमें लगते हैं, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। ओके तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।